बॉलीवुड के दबंग सलमान खान साहब जोधपुर पहुंच चुके हैं। 19 साल पुराना काला हिरण शिकार मामला, बड़ा फैसला आने वाला है, बड़ा दिन है सलमान खान साहब के लिए, इसीलिए सलमान को हो गई है टेंशन। सूत्रों के मुताबिक रात भर न सो पाए हैं, न उन्होंने खाना खाया है। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक। जोधपुर की अदालत में काला हिरण के शिकार के 2 दशक पुराने मामले में अभिनेता सलमान खान और अन्य कई सितारों के खिलाफ आज कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। फैसले के दौरान सभी आरोपी कलाकार यानी कि सलमान, सैफ अली खान, तबू, सोनाली बेंद्रे और नीलम अदालत में मौजूद रहेंगे। सलमान खान अपनी बहन अलवीरा और अर्पिता के साथ कल रात ही जोधपुर पहुंच गए, लेकिन कल रात से सलमान ने कुछ भी नहीं खाया है। जी हाँ, सलमान खान साहब के लिए एक बड़ा दिन है, फैसले का दिन है, क्योंकि अगर उन्हें सजा होती है तो उन्हें जेल जाना पड़ेगा। और इसी घबराहट से सलमान खान साहब ने रात भर से कुछ भी नहीं खाया है। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि सलमान जैसे ही होटल पहुंचे अपने होटल रूम में चले गए और उन्होंने किसी से ज्यादा बातचीत नहीं की। मुंबई एयरपोर्ट रवाना होने से लेकर जोधपुर पहुंचने तक सलमान ने न किसी को कोई बयान दिया, न किसी से कुछ बात की। सलमान खान साहब के चेहरे पर टेंशन ही नजर आई और यही कारण रहा कि सलमान को न भूख लगी न नींद आई। सलमान कुछ भी खाने की इच्छा में नहीं है, टेंशन में है सलमान। गौरतलब है कि आज 11:30 बजे सलमान को आर्या पार का फैसला पता चल जाएगा। अभिनेता सलमान और अन्य लोगों के खिलाफ कोर्ट आज फैसला सुनाएगी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देव कुमार खत्री ने 1998 में हुई इस घटना के संबंध में 28 मार्च को मुकदमे की सुनवाई पूरी करते हुए फैसला बाद में सुनाने की घोषणा की और वही फैसला आ जाना है। दरअसल ये घटना हम साथ साथ हैं फिल्म के शूटिंग के दौरान की है। अक्टूबर 1998 का मामला है। सलमान खान वन्य जीव संरक्षण कानून की धारा 51 और अन्य कलाकार वन्य जीव संरक्षण कानून की धारा 51 तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के तहत आरोपों का सामना कर रहे हैं। सरकारी वकील भवानी सिंह भाटी ने कहा कि उस रात सभी कलाकार जिप्सी कार में थे, सलमान खान वाहन चला रहे थे। हिरणों का झुंड देखने पर उन्होंने गोली चलाई और उनमें से 2 हिरण मार दिए गए। पूरा मामला काला हिरण शिकार का है, लेकिन उन्होंने जब देखा कि लोगों ने उन्हें देख लिया है और उनका पीछा करने लगे हैं तो कलाकार मृत हिरणों को छोड़कर भाग खड़े हुए। उन्होंने कहा कि उन लोगों के खिलाफ पर्याप्त सबूत भी है। इन आरोपों का इनकार करते हुए सलमान के वकील एचएम सारस्वत का कहना है कि अभियोजन पक्ष की कहानी में कई खामियां हैं। तो इस तरीके से आज सलमान पर बड़ा फैसला आने वाला है, बड़ा दिन है सलमान का, लेकिन इसी बीच सलमान को टेंशन भी है, घबराहट भी है, इसीलिए न खा पा रहे हैं न सो पा रहे हैं। बहरहाल आपको बता दें कि इससे पहले वो रेस 3 की शूटिंग के लिए अबुधाबी में थे, पर अब जोधपुर पहुंच गए हैं अपनी बहन अलवीरा और अर्पिता के साथ। उनकी बहनें उन्हें सपोर्ट करने के लिए पहुंची हैं। इस मौके पर उनका परिवार उनके साथ खड़ा है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।